एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वो अब शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोर की भूख लगी। उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है, नदी में ही मछली खाकर पेट भर लेता हूँ। जैसे ही वो मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल गई। तो वो भूखा थका हारा नदी के किनारे जामुन के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक बंदर जामुन खा रहा था। उसकी नजर बंदर पर पड़ी। उसने उससे पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है भाई। ये जामुन है, बहुत मीठा फल है, ये लो तुम भी खाओ। अरे हाँ, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा कोई मेरा भी दोस्त हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ, तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ रोज पेड़ के किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करते थे। दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आकर खेलता तो कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई सुनो ना, मैं ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़े जामुन तोड़कर दे दो ना प्लीज, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अभी तोड़कर देता हूँ, चलो। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दे दिए और वो अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर चल दिया। जामुन लेकर वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी रहती थी। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जामुन। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। पर कब तक ये जामुन खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, जब ये जामुन इतने मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर तो रोज ये मीठे जामुन खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। हाँ, वो बहुत अच्छा है, वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। मैं सोच रही हूँ कि उसका दिल कितना मीठा होगा, और बहुत दिनों से मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल ला कर दे दो ना। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और अब मैं तुम्हारे लिए उसी की ही जान ले लूं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ मुझे ला कर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की शर्त सुनकर मजबूर हो गया और दुखी मन से बंदर के पास पहुंचा, ताकि वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए मना सके। बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पे बुलाया है। चलो आज तुम मेरे घर पर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, हाँ चलो ना। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कर दी और दोनों चल दिए।
दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे तो बंदर ने रास्ते में मगरमच्छ से पूछा, वैसे दोस्त तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो वो केले की सब्जी पूरी खीर बनाएगी खास तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ को लगा कि उसे बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपने देख रहा है, इसे तो पता भी नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पकाकर खाने वाली है। क्या करूँ, मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त, अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी और तुरंत एक तरकीब सोची। बंदर भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर। पर दोस्त, तुमने ये बात मुझे चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं। अब हमें उसे लेने वापस जाना होगा। तुम मुझे फिर से पेड़ के पास ले चलो। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए तो वो मेरा दिल निकाल के खा जाएगी। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ तक ले आया। बंदर जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचा, कूद कर उस पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे बेवकूफ, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तुझे खाना खिलाया, तुम्हारी मदद की, और तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना तुझे जामुन मिलेंगे और ना ही दिल, चल भाग यहां से। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को अपनी बेवकूफी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? तो कोई मुझे बताएगा कि इससे हमें क्या सीख मिलती है? वो मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं ही बताती हूँ। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए, और कभी किसी मजबूरी में भी जिसे हमने दोस्त बनाया हो उसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी मगरमच्छ की तरह मुंह की खानी पड़ेगी।